भागदौड़ तथा मिलावटी खाद्य सामग्री के उपयोग के कारण यहां एक और आदमी अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित होकर कई प्रकार की दवाओं का सेवन कर अपना जीवन बसर कर रहा है। लेकिन शहर में एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने योग के सहारे 92 साल की उम्र बिल्कुल निरोग रहकर पूर्ण कर ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महावीरगंज निवासी शिक्षाविद राम सहाय शर्मा की। विगत 10 वर्षों से नियमित रूप से योग का अभ्यास कराने वाले राम सहाय शर्मा ने अपने शरीर को निरोगी बनाए रखने के साथ साथ स्वस्थ भी बना रखा है। घर पर हो या फिर शहर से बाहर, शर्मा ने योग को अपने जीवन का हिस्सा बना रखा है। शहर से बाहर होने के बावजूद वे कभी भी योग करना नहीं भूलते हैं। जीवन के 92 वर्ष पूर्ण कर चुके शर्मा पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयासों से विश्व भर में 21 जून 2015 से शुरू हुए योग दिवस से लेकर अब तक लगातार नियमित रूप से योग करते हैं। प्रतिदिन प्राणायाम, प्रतिहार, ध्यान, धारण तथा समाधि का नियमित अभ्यास करने वाले शर्मा को देखकर हर कोई हतप्रभ रह जाता है। विश्व योग दिवस के मौके पर जेएसकाई न्यूज चैनल ने राम सहाय शर्मा से विशेष बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने योग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए नियमित योग अभ्यास के शरीर को निरोगी बनाए रखने के तरीके बताए। आइए सुनते हैं निरोगी काया के धनी राम सहाय शर्मा के विचार। कि सर्वप्रथम तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं अशोक नगर हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त हूँ 1990 में और रिटायर हुए मेरे को 34 साल हो गए। अब उम्र मेरी सरान में रनिंग है 92 मैंने कंप्लीट कर लिया। इस आसन करने से मैंने जो प्रारंभ किया वो सब 21 जून 2015 से किया। किसी भी दिन नागा नहीं हुई, यानी पुलिस स्टॉप नहीं रहा। यदि मैं कहीं बाहर घूमने गया तो मैंने वहाँ भी ये सभी आसन किए और निरंतर इससे शरीर सुदृढ़ होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, रक्त संचार होता है सुचारू रूप से, भूख लगती है, मस्तिष्क में कहीं शक्ति मिलती है और रक्त संचालन सुचारू रूप से चलता है और सब शरीर के सारे अंगों में सुदृढ़ता, मजबूती और संतुलन के आत्मीयता बनी रहती है। इस देना चाहता हूँ मैं नई पीढ़ी जो मेरे पास में कई बच्चे आते हैं शाम को 6 बजे ये चैनल खत्म होने के बाद में मैं उनको प्रेरणा देता हूँ और उनको सिखाता हूँ और वो एक से एक बढ़ करके करना आसन बहुत बढ़िया अच्छे करना ढंग से करते हैं। ये मेरी प्रेरणा का सूत्र है। मैं गली के कई बच्चों को बुलाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि भाई आसन करो। मैं कुछ समय पहले ऐसा कहा करता था कि हॉस्पिटल बंद करो और अखाड़े खोलो, प्राणायाम और आसन करना प्रारंभ करो। आज उसके विपरीत स्थिति हो रही है, लोग जिम जा करते हैं, लोग और किसी प्रकार से अपने आप को कोई शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वो सब इतना वजन नहीं रखता जितना कि ये आसन है जो वजन रखते हैं। धन्यवाद।